हेलो एवरीवन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लॉर्ड कृष्णा सही थे इस मायने में, उन्होंने ये बोला था कि फल की चिंता मत करें इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बट देयर इज़ अ समथिंग दैट जो मैंने अपने लाइफ में नोटिस करा, राइट, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो स्टेटमेंट है कि मैंने कर्म से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ जो है पैटर्न मैंने नोटिस करा, वो चीज़ मैंने आपके साथ में नोटिस शेयर करने जा रहा हूँ। राइट, क्यों शेयर कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे लगता है कि हाँ, एक इंसान का कर्म ही होता है जो उसे उस व्यक्ति को बनाता है। राइट, अगर इलॉन मस्क के अगर मैं इलॉन मस्क का अगर एग्जांपल हूँ, इलॉन मस्क से अगर आप लोग पैसा उससे सारी चीज़ें निकाल दो और ज़रा सा नोटिस करो उसके पूरे उसके कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखोगे कि उसको बनाने वाला उसका कर्म था। कर्म जो होता है वो शारीरिक रूप से नहीं होता, साइकिल चलाना भी कर्म होता है, बट द थिंग इज दैट कर्म जो होता है वो आपका मेंटली भी होता है। ठीक है, तो मन वचन कर्म तीन चीज़ होते हैं, मन वचन कर्म। तो जो आपके जो थॉट्स आप सिलेक्टिव करते हो ना, जो आपके दिमाग में जो थॉट्स चलते रहते हैं, वो भी एक्चुअल में एक कर्म ही होते हैं। बिकॉज एवरी कर्म, जो भी आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं या फिर जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये एक कर्म है। बट ये जो कर्म हो रहा है ये वचन, जैसे कि आप मेरा आप आवाज़ सुन रहे हो, ओके, सो ये वचन से कर्म हो रहा है। राइट, जो आप मेरे एक्सप्रेशन देख पा रहे हो ये मेरे बॉडी से आपके कर्म हो रहा है, और जो मैं बोल रहा हूँ सोच सोच करके ये मेरे मन से कर्म हो रहा है। तो थ्री टाइप्स के जो होते हैं आपके कर्म होते हैं जो मैंने अभी तक नोटिस करा। राइट, नाउ अब उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल कर्म के बारे में जो होते हैं, जो कर्म का फल होता है, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि ऑलवेज फोकस ऑन द इनपुट। राइट, और ये भी चीज़ मैं विल स्मिथ का एक पॉडकास्ट था, उन्होंने बोला हुआ था कि देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन योर इनपुट एंड द आउटपुट। आउटपुट जो होता है वो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, और श्री कृष्ण भी भगवान भी यही बोलते हैं कि आपका जो फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इनपुट पर होना चाहिए, आपके कर्म पर होना चाहिए। बिकॉज जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी योगदान होता है। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल राइट नाउ। तो हम लोग जैसे कि हमारे अकेडमी के हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे थे। राइट, हमने सोचा था कि अच्छे से कंपनियां आएंगी, ये सारी चीज़ें मतलब कि होंगी। ठीक है, हम ये सोच रहे थे और हम अपना कर्म भी कर रहे थे। राइट, तो हमारा जो कर्म था श्री कृष्ण ने तो ये बोल दिया कि जो आपका कर्म होगा आपके उस तरीके से आउटपुट, बट द थिंग इज दैट कि उस समय क्या हुआ, उस समय आपका कोरोना वायरस आ गया, जो कि वो हमारा कर्म नहीं था, लेकिन वो कर्म किसी दूसरे के हिसाब से, आप लोग जानते हो चाइना मतलब कि मदर ऑफ कोरोना वायरस। राइट, तो वहाँ से जब ये चीज़ें आई तो उसके बाद में आपके बाद में क्या हुआ, तब उसके बाद में एक्चुअल में हमारे लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो किसी दूसरे व्यक्ति का कर्म का प्रभाव भी आपके लाइफ में होता है। अनदर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू द अनदर एग्जाम्पल। राइट, जैसे कि लेट सपोज कि एक 9 साल का बच्चा है। राइट, 9 साल का बच्चा है और वो अभी पढ़ाई कर रहा है, उसके पिताजी कोई ऐसा काम कर दें जिनको पुलिस ने उठा करके ले गए, तो पिताजी जो पैसा लाते थे अपने कर्म से वह पैसा इसको नहीं मिलेगा, तो ये बच्चे का भी पढ़ाई प्रभावित हुआ। यानी कि जो आपका एक्शन है, जो आपका करेंट स्टेट है, वो दूसरे के भी कर्म से आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल इन फैमिली। राइट, फैमिली में सारा चीज़ अच्छा चल रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उसकी चिंता, मैंने बताया ना कि कर्म जो होता है वो तीन तरीके से होता है, मन वचन कर्म, जो मैंने नोटिस करा। हो सकता है इसके बाद में अलग भी फैक्टर हों, बट द थिंग इज दैट कि आपकी जो मैंने नोटिस किया मन वचन कर्म। राइट, कर्म दैट इज नथिंग बट अ फिजिकल कर्म, वचन जो आप बोल रहे हो, और दैट इज कॉल्ड मन, दैट इज मोर रिलेटेड टू जो आपके दिमाग में घूम रहा है। राइट, सो ये आपकी जो है तीन चीज़ें हो गई। तो जब ये तीन चीज़ें हो गई तो उसके बाद में आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है या फिर हो रहा है, तो आपके उसकी मन के द्वारा जो कर्म होता है वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं, आप उसके बारे में चिंता करने लगते हो। राइट, सो ये जो तीन चीज़ें थी वो मैंने अपने लाइफ में जो है वो नोटिस करा हुआ था। नाउ अब जो इनपुट वाली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें पे भी फैक्टर करती हैं। बहुत सारे जो ऐसे एक्शन होते हैं उसमें हमें कर्म का फल इंस्टेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल स्टडी में तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट मिलता है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। राइट, उसमें आप लेट सपोज एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पढ़ाई करा ही नहीं पूरे साल और वो एग्ज़ाम देने गया, तो उसे कर्म का एक्चुअल में वो फल है जिसमें उसे अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो आप स्टडी में इस चीज़ को कर्म के इफेक्ट को देख सकते हो, बट स्टडी जब आप करते हो तो इसमें आपका कर्म का फल स्ट्रेट मिलता है। राइट, सो लेट मी गिव द अनदर एग्जांपल ऑफ द कर्मा। मैं एक बार क्लास में एक प्रोफेसर से मैंने एक सवाल पूछा और उस सवाल के उत्तर में उस प्रोफेसर ने काफ़ी अच्छा ट्रीट नहीं किया। मैंने तो अपना 100% दिया था, मैंने तो कुछ उस तरीके की बातें उसे नहीं बोली थी। मेरे द्वारा जो इनपुट लगाया गया था वो सही हुआ, बट उस व्यक्ति के द्वारा जो मुझे फल मिला, क्योंकि उसका आउटपुट मेरे लिए जो है वो आपका फल के हिसाब के बराबर था। राइट, तो जब उस व्यक्ति ने जब मुझे फल दिया, राइट, उसके द्वारा जब कर्म किए गए तो वो सही नहीं था। राइट, बिकॉज उस कर्म में जो उसने आउटपुट दे रहा था एज अ फल, उसमें उसकी थॉट प्रोसेस, उसमें उसका कर्म भी नहीं था। इस हिसाब से मुझे जो कर्म है वो पूरी की तरीके डिफरेंट मिला। राइट, सो इस तरीके से जो मैंने नोटिस करा कि कर्म आपके इस तरीके से जो है वो आपका काम कर रहा है। राइट,
और स्टडी में बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं जिसमें कर्म का इंस्टेंट प्रभाव आप नोटिस भी कर पाते हो, जैसे स्टडी हो गया, राइट। अब जैसे कि बात होता है किसी से, आप बात करो उसका मूड कैसा है, क्योंकि उसके मूड के हिसाब से उसका डिसाइड आपके लिए फल जो है वो डिसाइड हो जाता है। तो फिर वहाँ पर भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों का मूड जो है वो हमेशा 24 घंटे खराब रहता है। आप उनसे बात करके बोलेंगे कि जाओगे कि नहीं यहाँ से, आपने 100% अपना अच्छा दिया बट वो चीज़ें नहीं हो पाती। नाउ इन द प्लेसमेंट सेशन, राइट, आप सब कुछ जानते हो, एप्टीट्यूड जानते हो, कोडिंग आपका सारा चीज़ अच्छा है, राइट। आप और इंटरव्यूअर जो है वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, राइट। तो जो आपने इनपुट लगाया है, जो भी आपने सोचा हुआ है कि नहीं मैं जा करके इस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचूंगा, देखूंगा और इस तरीके से चीज़ों के बारे में बोलूंगा इंटरव्यू में, आपने पूरा इमेजिन किया हुआ है। यानी कि इमेजिन करना भी एक कर्म के अंदर इंक्लूड आता है, बिकॉज जो भी आप सोचते हो ना वो भी आपका कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम करता है। और सोचने के ऊपर हम एक अनदर वीडियोज बनाएंगे, बट द थिंग इज दैट कर्म 3 तरीके से होता है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो जब आपने ऑलरेडी सोच लिया कि मैं इस तरीके से जाके परफॉर्म करूँगा, और जब आपने इंटरव्यूअर के सामने आप बैठे तो पूरी की पूरी सिनेरियो ही चेंज हो गई, वो आपका अच्छे से ले लिया, राइट। आप अनकंफर्टेबल फील हो गए। तो यही श्री कृष्ण बोलता है कि एक्चुअल में आप जानते ही नहीं हो कि भविष्य एक्चुअल में हो कैसा होने वाला है। तो हमारे पास में वास्तविकता में जो होता है वो वर्तमान का समय होता है, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म ही होता है, और जो फल होता है वो आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते, बट बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर जो आपके फल को प्रभावित करती है, उसमें आपका तो कर्म होता ही होता है बट दूसरों का भी कर्म जो है वो निहित होता है, राइट। सो इस तरीके से चीज़ें होती है, बट द थिंग इज दैट एक चीज़ मैंने इन सारी चीज़ों में नोटिस करा, राइट, द लेवल ऑफ द एफर्ट, राइट, और द क्वालिटी जो आप इनपुट में डालते हो वो आउटपुट पर प्रभाव करता है। इस पर मैं एग्री हूँ, जो फल आता है मैं इस पर एग्री हूँ कि बहुत सारे लोगों का कर्म भी निहित हो जाता है फल पर, बट द एक अनदर चीज़ जो नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आपका आपका जो इनपुट है उसमें अगर आपका एफर्ट अच्छे लेवल पर है तो आपके फल में वो भी चीज़ आपकी ज़्यादा रहती है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया, लेट मी गिव द एग्जांपल, राइट। अगर आप किसी भी पेपर के लिए तैयारी है, लेट सपोज ऑटोमेटा के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट, ऑटोमेटा पेपर आने वाला है, तो स्टडी में आप लोग, क्योंकि स्टडी में काफ़ी इंस्टेंट कर्मा मिलता है द सो कॉल्ड, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपकी लेवल पढ़ाई में अच्छी है, ठीक है ना, अगर आपने ऑलरेडी कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, 4 से 5 चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लिया है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है इसके बारे में हम किसी और वीडियोस में बात करेंगे, राइट। तो चार चैप्टर अगर आपने कमांड कर लिया है, तो उस कमांड के बाद में जो आपका, बिकॉज इनपुट का लेवल लेट सपोज 70% था आपका, राइट, और किसी दूसरे फैक्टर से, लेट सपोज आपके परिवार में ही कुछ हो गया, राइट, परिवार में ही कुछ हो गया, तो फल हो सकता है कि आप थोड़ा सा कम हो जाओ, बट द थिंग इज जो आपने इनपुट लगाया हुआ था 70%, हो सकता है कि वो 60% हो, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग उस समय डिस्ट्रैक्टेड हो। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो मैंने नोटिस करा था रिगार्डिंग दी कर्मा। जैसे जैसे मेरे पास में एक्सपीरियंस आते जाएंगे वैसे वैसे हो सकता है मैं आगे कर्म, समय और जो तीनों तरीके से कर्म होते हैं, मन, वचन, कर्म, इसके बारे में मैं और आपसे बात कर सकूँ इस टॉपिक पर, राइट। सो अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो ऑलवेज फोकस ऑन द योर कर्मा, डोंट फोकस ऑन योर कि भविष्य हमारा ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमने भी सोचा था, हमने भी काफ़ी ज़्यादा इमेजिन कर रहे थे कि हमारा फेयरवेल पार्टी होगा, हम डांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोरोना ने आके सत्यानाश कर दिया, अब घर बैठे हुए हैं, राइट। सो एक्चुअल में आप जानते नहीं हो कि आपका भविष्य किन किन फैक्टरों के, दूसरे लोगों के कर्म के फल से प्रभावित होने वाला है, आपको ये पता नहीं, आप कंसिडर ही नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास में जो आपके हाथ में है, इंसान बोलता है कि इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, जरा ये भी तो आप वैलिडेट कर लो, राइट। सो जो भी आपके पास में हाथ में है, जो भी आपका कर्म, दैट इज कॉल्ड योर, जो भी आप जितना कर सकते हो, फोकस ऑन ऑलवेज ऑन द इनपुट, राइट। अब लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, राइट। एक बार मुझे याद था कि मेरा एक इंटरव्यू था, राइट, तो मैं लेकर के बैठा क्योंकि मुझे रिवीजन करना था, सारी चीज़ों का रिवीजन, लेकिन मेरे दिमाग में मन के द्वारा जो कर्म हो रहा था वो ये भाव पैदा हो रहा था कि उसने ये पूछ लिया तो क्या होगा, उसने ये पूछ लिया तो क्या होगा, कैसा होगा जब इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसके बाद में मैं कैसा फील करूंगा, अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये सारी थॉट जो हो रही थी वो मेरे दिमाग में पॉपअप हो रही थी और ये मन के द्वारा कर्म किया जा रहा था। फिर मैंने बाद में नोटिस करा कि मन मेरा जितना भी काम कर रहा है एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। सो मैंने बोला कि स्टॉप इट, जो भी होगा देखेंगे, जो कुछ भी होगा हम लोग देखेंगे, अभी तू मेरे साथ में आकर के इस कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस करते हैं, राइट। और जब मैंने उसमें इस तरीके से उसको बोला तो मेरे साथ आया और उसने मेरी मतलब सहायता भी करी, राइट। सो मन के लेवल पे जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें भी आपको नोटिस करो, बिकॉज वाट एवर यू आर थिंकिंग गाइस वो आपके मन के द्वारा कर्म हो रहा है। मन के द्वारा किस तरीके से उसका फल क्या होता है, नाउ लेट मी कंसीडर। मन के द्वारा जो भी आप कर्म करते हो उससे आपकी मेमोरी का फॉर्मेशन होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बात बताया हुआ था पिछले वाली 2-3 वीडियो में, राइट। सो जो भी इंसान सोचता है वही वो करता है, तो मन के द्वारा भी जो आपका कर्म होता है दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट,
तो अगर आप लेट्स सपोज इलॉन मस्क के बारे में बात करूँ, राइट, तो उसका कर्म हमें दिखता है, तो उसके उस कर्म से पहले एवरीथिंग इज मतलब कि उसके दिमाग में बना हुआ था, ठीक है। अगर नहीं भी बना था तो उस दिमाग लेवल पर वो काम कर रहा था, वो चीज़ों को अपने पहले दिमाग में बना रहा था। एरोप्लेन बनाने से पहले राइट ब्रदर्स के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती, लेकिन वो करते गए दिमाग, उन मानसिक कर्म जो होता है, दैट इज कॉल्ड मानसिक कर्म, वो मानसिक कर्म जो होता है वो फिजिकल कर्म में अंत में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसीलिए आज हम अपने पास में मोबाइल फ़ोन देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, मन के लेवल पर, राइट, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी हैव 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, एंड हम हमारा जो दिमाग होता है वो इट चेंज, जो ये काम करता है उसी के आधार पर ये चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट यू गिव द अनदर एग्जाम्पल, राइट, रोमन रिंग्स का जो आपका शरीर है या फिर जॉन सीना का जो शरीर है, आप देखोगे आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो हष्ट पुष्ट होता है, राइट। एक आपके अगर एक स्टूडेंट का ले लूँ, अगर वो पढ़ाकू है, ठीक है, तो उसका आपका शरीर पतला होगा, क्योंकि वो इस तरीके से कर्म कर रहा है, तो कर्म के आधार पर उसका शरीर चेंज हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जो आप मानसिक कर्म करते हो उसके हिसाब से आपका बायोलॉजी चेंज होता है, राइट। सो ये सब बाद में फिर बहुत सारे फिर ज़्यादा वास्ट टॉपिक हो जाएगा, बट द थिंग इज दैट कि अगर दोस्तों नोटिस करोगे ना, तो तुम्हें ये चीज़ें देखोगे, आप डॉट्स को आप अच्छे तरीके से लिंक करके देख सकते हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, राइट। सो बस यही बात करनी थी, कर्म अगर करना है तो तीनों से करो, और वचन और मन से। मन वाला जो कर्म है काफ़ी ज़्यादा है कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप और अच्छा सोचोगे, बुरा सोचोगे तो और आप बुरा सोचोगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप लोग विद्यार्थी हो तो ट्राई टू इंक्लूड योर लाइफ, राइट। सो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया मन वचन कर्म के बारे में। अगर आपके पास में इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिमाग में थॉट्स अगर पॉपअप हुआ, आप मुझे कमेंट करिए। अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कांटेक्ट गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हम लोग जूम पर एक मीटिंग कर लेंगे और बात कर लेंगे। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।